नमस्कार मैनस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आज आपके लिए लेके आई हूँ अल्कोहल्स पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, अल्कोहल क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, ऑन द बेसिस ऑफ ओथ ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दी आर द मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमारा मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए निम्न मेथडों का प्रयोग करेंगे, जिसमें मैं पहला मेथड यूज कर रही हूँ फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण, हेलो एल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यूजिंग एक्वस एनएओएच और केओएच और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्डराइज। विद दिस मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर फॉर्म फ्रॉम ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कहने का मतलब है, हेलो एल्केन्स के द्वारा हम हेलो एल्केन्स को जब एक्वस एनएओएच केओएच या कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसके द्वारा हमें प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। जैसे कि देखिए, मैंने कहा किसी भी हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन होता है हेलोजन के साथ एल्केन्स, लाइक दैट मैंने जैसा एग्जांपल लिखा आर एक्स रिएक्ट विद OH, OH या कह सकते हो NaOH या KOH किसी के साथ ट्रीट करते हैं कहा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हमारा हो गया CH3 CH2, X की जगह मैं Cl ले रही हूँ, ट्रीटेड विद KOH, KOH के साथ ट्रीट करा, तो हमने क्या करना है, KCl बाहर एलिमिनेट हो गया, KCl बाहर निकल गया, वी गेट अबाउट CH3 CH2OH, हमें क्या हो गया OH ग्रुप प्राप्त हो रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल, आपको दिख रहा होगा OH के बाद एक ही कार्बन की चेन है, तो इस तरह का जो अल्कोहल हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। उसी को अगर हमने आयनिक फॉर्म में निकाला तो ये देख रहा मैंने RX मतलब R हो गया कार्बन की चेन, X का मतलब कोई भी हेलोजन, दिस इज द हेलोजन ट्रीटेड विद KOH 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 किसमें ब्रेक होता है K+OH-, सो दिस OH- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये OH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट आर एजेंट्स, रिएजेंट को मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। सो दिस इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, मैंने क्या कहा ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मैंने बोला ये लिखा दिस सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कहला रही है क्योंकि OH किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है, हमारे पास जो OH है वो किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। तो ये OH कहाँ जुड़ेगा, ये कार्बन यानी कि R के साथ जुड़ गया, हमें मिल गया ROH ग्रुप एंड रिमेनिंग क्या हो गया H आयन बाहर निकल गया यानी कि हैलोजन एलिमिनेट हो गया, जिसको मैंने इस तरह से लिख के दे रखा है, जैसे CH3 CH2 CH2 भी R हेलो एल्केन्स है ट्रीटेड विद NaOH एक्वस एनएच। ध्यान रखिएगा NaOH एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, कि अल्कोहलिक में एल्कीन बनती है। ठीक है, हमें जो अल्कोहलिक जो होती है आपको उसमें जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, बट मुझे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन नहीं बनानी है, मुझे बनाना है क्या अल्कोहल, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया एक्वस एनएच लिया। तो एक्वस जैसे ही लिया तो देखा आपने ये NaBr बाहर एलिमिनेट हो गया, NaBr NaCl एलिमिनेट हो गया और बाहर निकल गया, अल्कोहल की प्राप्ति हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारा पहला मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का, किसके थ्रू, थ्रू हेलो एल्केन्स, किसके द्वारा, थ्रू हेलो एल्केन्स। सेकंड मेथड है अल्कोहल बनाने का रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के थ्रू। पहला प्रश्न उठता है व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड, ये तो क्लियर होना चाहिए पहले कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने कहा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन का मतलब हो गया रिड्यूस करना, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिड्यूस करना, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड क्या होता है CH3CHO, ठीक है CH3CHO, कीटोन क्या होता है RCOR-, दोनों में कॉमन क्या है आपको दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन क्या है CO(C)O, सो C(O) कॉमनली नोन एज द कार्बोनिल कंपाउंड, C(O) को हम क्या कहते हैं कॉमनली कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ एक्ट एज ए कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन हमारे किसकी तरह काम करते हैं,
कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह काम करते हैं, यानी कि एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब हुआ क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन। दीज कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। सारे कार्बोनाइल का हम बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल कंपाउंड की कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन उसके अलावा और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सीओ ग्रुप होता है, एस्टर में भी सीओ ग्रुप होता है, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सो हमें तो अल्कोहल बनाना है, तो एल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल व्हाइल कीटोन गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड के थ्रू हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है, और कीटोन के थ्रू हमें किसकी प्राप्ति होती है, सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। आइदर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बाय यूज केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं LiAl4। मैंने क्या कहा, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक दैट LiAl4 या NaBH4 की प्रेजेंस में हमारा ये रिडक्शन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ऑल्सो गिव द प्राइमरी अल्कोहल और रिडक्शन विद द हाइड्राइड रिएजेंट सच एज LiAl4। देखो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होकर बाद में क्या करते हैं, अल्कोहल की प्राप्ति करते हैं। तो मैंने कहा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारा ये ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। मैं एस्टर के थ्रू नहीं, मैं फोकस कर रही हूँ कीटोन ग्रुप, मैं एक कीटोन ग्रुप को फोकस कर रही हूँ। दिख रहा होगा CH3CO, CO इज द कीटोनिक ग्रुप, हमारा यहाँ पर CO कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसमें हम लिखेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा, क्या है, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड ओ, दिस इज वर्ड CH2, दिस इज वर्ड CH2, दिस इज COOC2H5। ठीक है, हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो बी टेक एनी रिड्यूसिंग एजेंट, हमने लिया LiAl4, एज यू बेस NaBH4, आप कुछ भी लिख सकते हैं, NaBH4 भी हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया हम उसके प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो हम कितने भी हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। सो वी ऐड द रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें क्या मिला, हमें अल्कोहल की प्राप्ति होगी। हमारा रिएक्शन केवल फंक्शनल ग्रुप पर होता है, केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन कार्बन की चेन पर नहीं होती, हमारी जो जितनी भी रिएक्शन होंगी फंक्शनल ग्रुप होगी। सो वी फोकस द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। तो ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, हो गया सी, ये किसमें चेंज होगा, अल्कोहल में, ये हो गया ओ और ये हो गया एच। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर एक एच और जोड़ना पड़ा, सो दिस इज वर्ड CH2 और आगे की चेन एज इट इज ऐसी ही रहेगी। तो क्या हुआ, हमें कितने एच जोड़ने पड़े, एक एच, एक एच, कितने एच जोड़ने पड़े, दो एच। दैट मीन्स हमें यहाँ पर रिडक्शन के लिए अगर हम दो एच जोड़ देते हैं सो वी कैट है अल्कोहल, हमें किसकी प्राप्ति होती है, अल्कोहल की प्राप्ति होती है। सेम वाली बात यहाँ पर मैंने करके है, ये एरोमेटिक CH3 की जगह कार्बन की चेन की जगह हमने बेंजीन रिंग लिख दी, बेंजीन रिंग को हम क्या लिखते हैं, C6H5। तो हमने फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटोन पर रिडक्शन करा और हमारा COH, क्या करा, CHOH, CHOH का मतलब हो गया, सेम वही बात सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को क्या लिख दोगे, COH ग्रुप में लिख देंगे। दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है कौन से ग्रुप का, हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरफ को रिडक्शन हो रहा है। हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जिसके थ्रू हम बताएंगे कि हमारा अल्कोहल का क्या हो रहा है, हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हमारा किस तरह से रिडक्शन हो रहा है। ये तो मैंने आपका सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि कीटोनिक ग्रुप पर रिडक्शन दिखाया, और आपने देखा कि कीटोन ग्रुप से जब रिडक्शन हो रहा था हमने कहा सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होगी, साफ दिख रहा मैंने कीटोन से बी यील्ड है सेकेंडरी अल्कोहल, हमें किसकी प्राप्ति होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होगी। तो दिख रहा होगा सेकेंडरी अल्कोहल, ये कार्बन, ये आपकी कार्बन की चेन हो गई, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, आपका OH ग्रुप है, तो ये कार्बन की चेन इधर की तरफ हो गई, कार्बन की चेन इधर को हो गई, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, ऊपर से आ गया, दो कार्बन की चेन बन गई, तो कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी डाउट है, आप इसका पार्ट फर्स्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो का आप चेक करिए, आपको आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से अल्कोहल की प्राप्ति हुई है। तो हमें ये लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप है। ठीक, लास्ट में दिख रहा है CHO ग्रुप, हमने मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे काम करूंगी, हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा ये CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, CHO ग्रुप को अगर हम ओपन करते हैं CH2O, हम इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करते हैं तो H, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H ऐड करना, हम H ऐड करते हैं। देखिए ये हो गया H, ये हो गया OH और ये तो आपका बॉन्ड था, ठीक है, बॉन्ड हो गया, तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एच और जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया CH2 बन गया। तो सेम वही बात करिए, देखिए CH2OH, इसको तो हम रिड्यूस करेंगे, हम किसको रिड्यूस करेंगे, CHO को रिड्यूस करेंगे, CHO को रिड्यूस करा तो देखो हमने क्या लिख दिया CH2OH, CH2OH। आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल ऐसे और समझा सकती हूँ, जैसे कि हमारी कोई भी हमारा एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2, तो दिस इज CH3
सी एच ओ, ठीक है। हमने इसका रिडक्शन करा, रिडक्शन करने का मतलब हो गया हमने रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमने एल आई एल एस फोर की ए एल एस फोर की प्रेजेंस में रिडक्शन करा। जैसे रिडक्शन करा तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, हम इस कार्बन चेन को टच नहीं करेंगे, हमें इसे कुछ नहीं करना है। ये सी एच थ्री ऐसे ही रहा, ये सी एच ऐसे ही रहा, ये एच ऐसे ही रहा, ओ ओ किस में चेंज होगा ओ एच में, और इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये कैच और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कितने एच जोड़े गए दो। तो देखिए सी एच थ्री ये क्या हो गया सी एच टू ओ एच, तो हमारा क्या बन गया सी एच टू ओ एच। हमें इसके थ्रू किसकी प्राप्ति होती है, सॉल्यूटल की प्राप्ति होती है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैंने लिखा ग्लूकोज से सॉल्यूटल कैसे कन्वर्ट करोगे, तो NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करोगे। ऐसे सिनेमेल्डिहाइड दिया हमने एग्जाम्पल, वी फोकस द एल्डिहाइड ग्रुप, हमने फोकस करा एल्डिहाइड ग्रुप का, सो दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज आएगा अल्कोहल में, यानी कि सी एच टू ओ एच में। सेम वे यहाँ पर सी एच ओ ग्रुप है, सी एच ओ ग्रुप किसमें चेंज आएगा सी एच टू ओ एच ग्रुप में। आर हो गया आर सी ओ सी एल, आर सी ओ सी एल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आर सी ओ सी एल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर सी ओ सी एल बोला है, तो ये हमने इसको ओपन कर लिया, ये हो गया आर सी डबल वन ओ सी एल। आपको बार बार बोलना है हमारी रिएक्शन के बाद फंक्शनल ग्रुप होगी, रिडक्शन करने का मतलब हो गया एच हमारा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने लिख दिया आर ई रिड्यूसिंग एजेंट की जगह आर, आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया एन ए बी एस फोर को आपने ऐड करा, तो फिर वही बात होगी रिडक्शन इसी पर होगा, हमने आर को ऐसे ही रहने दिया, सी को ऐसे ही रहने दिया, सी एल को ऐसे ही रहने दिया, ओ के साथ क्या गया एच बैलेंसिंग करने के लिए एक एच और जोड़ दिया, यानी कि कितने एच की प्राप्ति होगी दो एच की, दो एच एड हो गया, तो हो गया आर सी सी एल। देखिए आर सी सी एल हमारा ऐसी रहा और वो किसमें चेंज हो गया ओ एच ग्रुप में चेंज हो गया। सेम वे ये सी एच ओ ग्रुप है, सी एच ओ ग्रुप किस पर कन्वर्ट हो गया सी एच टू, सेम वे हमारा सी एच ओ ग्रुप दिख रहा है इसके नीचे, ये है आपका सी एच ओ ग्रुप, ये सी एच ओ ग्रुप फर्दर एन ए बी एच फोर की वजह से रिड्यूस होकर किसमें चेंज आएगा सी एच टू ओ एच ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड के थ्रू हमें किसकी प्राप्ति होती है अल्कोहल की प्राप्ति होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट तीसरा मेथड है हमारे पास टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज बाय रिएक्शन विद एपॉक्साइड, किसके थ्रू एपॉक्साइड के थ्रू। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर एपॉक्साइड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एपॉक्साइड, एपॉक्साइड का मतलब हो गया साइक्लिक ईथर, जब ईथर साइक्लिक फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं एपॉक्साइड। वैसे तो ईथर हुआ, ईथर का मतलब क्या हो गया आपका ईथर, आप इसे ईथर कहते हैं, ईथर कहते हो आर ओ आर, इसको आप कहते हैं ईथर। लेकिन जब ऑक्सीजन साइक्लिक फॉर्म में होती है, जब आपकी ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है साइक्लिक यानी कि रिंग में होती है, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं ईथर के नाम से जानते हैं, और उसको हम ईथर को ईथर ना बोलते, क्या बोलते हैं एपॉक्साइड, ठीक। सो दिस इज एन एपॉक्साइड, ठीक है। एपॉक्साइड हमने कोई भी एपॉक्साइड ले ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले ले रही हूं मैं यहां पर से ही सी एच थ्री सी एच सी एच टू और हो गया सॉरी सी एच टू और ये हो गया ओ, ठीक है। एपॉक्साइड किसके थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया आर एन जी बी आर, आर एन जी बी आर क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू यानी कि सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करेगा। जब सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करेगा तो सी एच थ्री हमेशा किसकी तरह काम करता है माइनस की तरह, एम जी बी आर किसकी तरह काम करता है प्लस की तरह। अब एपॉक्साइड के ऑक्सीजन को कहीं पर भी तोड़ लो, चाहे लेफ्ट को चाहे राइट को, फिलहाल मैंने यहां पर से ब्रेक करा, अगर ब्रेक करा तो ये बॉन्ड इधर को गया, अगर ये बॉन्ड इधर को गया तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये बॉन्ड यहां से यहां गया तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा माइनस, प्लस के साथ माइनस जोड़ दीजिए तो ये हो गया हमारे पास सी एच थ्री, ये हो गया सी एच और ये भाग का पोर्शन प्लस हुआ था, प्लस के साथ माइनस जोड़ा मैंने क्या जोड़ दिया सी एच थ्री जोड़ दिया, ठीक हो गया। हर हमारे पास क्या बचा है आपका सी एच टू, सी एच टू बचा है और सी एच टू वाला सी एच टू और साथ में क्या बचा है ये जब घूम के गया ये ओ इसके साथ जुड़ गया, ओ इसके साथ जुड़ा था ये हो गया ओ, ओ के साथ क्या जुड़ गया हमारे पास ओ हमारा कैसा था माइनस, माइनस के साथ प्लस जुड़ा, ओ के साथ माइनस के साथ प्लस जुड़ा एम जी बी आर हो गया ओ एम जी बी आर। अभी हमारा अल्कोहल तो बनाएंगे, अल्कोहल बनाने के लिए तो मुझे ओ चाहिए, तो आपको पता होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है तो हमें वाटर के साथ रिएक्शन करानी कंपलसरी होती है, तो हम इसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे प्लस वाटर, प्लस वाटर, वाटर को कैसे लिख दे रही एच ओ एच, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, क्यों क्योंकि हमारा ये किसमें ब्रेक होगा एच प्लस ओ एच माइनस में, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमें क्या मिलेगा सी एच थ्री, क्या बनेगा सी, ये हो गया आपका सी एच थ्री, ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया सी एच टू। आप देखिए मैं पूरी रिएक्शन एज इट इज लिख रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, ये सी एच टू हो गया, ओ के साथ क्या जुड़ गया एच, ये क्या जुड़ गया ओ के साथ एच और बाहर क्या निकल गया एम जी, ये हो गया एम जी, ये बी आर और यहाँ पर क्या ओ एच, एम जी ओ एच बी आर, एम जी ओ एच बी आर बाहर एलिमिनेट होता है। आप ऐसे समझ सकते हो या याद कर सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है तो एम जी ओ एच बी आर को एलिमिनेट करना कंपल्सरी होता है, तो वही बात हमने भी करती है
जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हुआ, मैंने तो डायरेक्ट यहाँ लिख दी, लेकिन रियल में होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हमारा, बॉन्ड टूटता है, कैसे टूटा मैंने ऐसे तोड़ रखा, देखो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया सी एच टू और ये सी एच टू ओ कैसा हो गया माइनस, ओ हो गया माइनस। आपको मैंने साफ बोला कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ग्रिग्नार्ड डिजन का आर वाला पोर्शन यानी कि कार्बन की चेन माइनस होती है और एमजीबीआर किसके तरह होता है प्लस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन तो कार्बो कटाइन और कार्बो एनायन दोनों फॉर्म में रह सकता है, लेकिन एमजीबीआर मैग्नीशियम इज द मेटल, मेटल डज नॉट एग्जिस्ट इन द माइनस फॉर्म, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो मैग्नीशियम प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो बॉन्ड टूटा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस के साथ प्लस जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस है, प्लस के साथ हमने माइनस जोड़ा तो हमारे सी एच थ्री यहाँ जुड़ा और एमजीबीआर यहाँ जुड़ा। देन इसके बाद मेरे ख्याल नंबर टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस दिखी है तो आपको साफ दिखा दिया मैंने हाइड्रोलाइसिस कैसे करी जाएगी, जब वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हमेशा MgOHBr को एलिमिनेट कर दीजिए, बस दिमाग में रखिए MgBr ये है, OH यहाँ से ले लिया, OH यहाँ से लिया, ये बाहर निकल गया, नहीं दिखाना चाहते शो ऑफ मत करिए, बट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ से क्या जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया H। इस तरह से हम बाय रिएक्शन विद इपॉक्साइड किसी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते, ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल, और इसके थ्रू हमारा कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये हमारा कोई दो ही मेथड थे इस प्रिपेयर करने के लिए, क्या अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें हम दूसरे अदर मेथड के थ्रू अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे, तो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसका सेकंड पार्ट आपका बाद में आएगा जिसमें आपको कुछ अन्य मेथड और समझाए जाएंगे जिसके थ्रू आप अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।